खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक छठवीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉप अपेरल्स मुकेरीगंज आजमगढ़ बाय वन गेट थ्री फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़ ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कॉल 51,288 मुकदमों का सुलह समझौते तथा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत की खास बात यह रही कि लगभग 50 विवाहित जोड़ों ने आपसी मतभेद भुलाकर फिर से एक साथ रहने का निर्णय लिया। जिला जज जितेंद्र कुमार सिंह तथा प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह, अवर पारिवारिक न्यायाधीश पारुल अत्री तथा शेर बहादुर निषाद ने दीवानी न्यायालय के हॉल ऑफ जस्टिस में फिर से एक साथ हुए दंपतियों को माला पहनाकर नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और वहीं से विदा किया। इससे पूर्व दीवानी न्यायालय के हॉल ऑफ जस्टिस में जिला जज जितेंद्र कुमार सिंह और प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त मंच है जहाँ किसी पक्ष की हार नहीं होती। इस लोक अदालत में जिला जज जितेंद्र सिंह ने कुल 4 मुकदमा, प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने 33 मुकदमा, अपर प्रधान न्यायाधीश पारुल अत्री ने 22 मुकदमा तथा अपर प्रधान न्यायाधीश शेर बहादुर निषाद ने 50 मुकदमा निपटाया। अपर जिला जज प्रथम बी डी भारती ने 1 मुकदमा, विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट सतीश चंद्र द्विवेदी ने 5 मुकदमा, अपर जिला जज कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा ने 1 मुकदमा, विशेष न्यायाधीश राम नारायण ने 31 मुकदमा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने 5 मुकदमों का तथा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सौरभ सक्सेना ने कुल 3 मुकदमों का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल चौधरी ने 688 मुकदमा निपटाकर 2,24,500 रुपए का जुर्माना वसूला। फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन देवेंद्र प्रताप सिंह ने 659 का निस्तारण किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राम तीरथ यादव ने 315 मुकदमे निपटाकर 92,000 रुपए जुर्माना वसूला। विभिन्न बैंकों तथा BSNL ने अभी अपनी प्री लिटिगेशन के 1,074 मुकदमों का निस्तारण किया, जबकि जिला प्रशासन ने द्वारा प्री लिटिगेशन स्तर पर 4,44,893 मुकदमों का निस्तारण किया गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की तरफ से 3 मुकदमा निपटाकर लगभग 11 लाख रुपए जमा कराए। इस अवसर पर फाइनेंस कंपनी की तरफ से अनेक शाखा प्रबंधक संजय सिंह, जन रंजन, विश्वकर्मा, विवेक तिवारी लोक अदालत में सक्रिय रहे। लोक अदालत मुकदमों के निस्तारण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। मूल रूप से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको दोनों नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, उसके तत्वाधान में पूरे देश में आयोजित किया जाता है। राज्य स्तर पर हमारे यहाँ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है और उनके अंतर्गत जो है हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया है, जो जितने भी विधिक सेवा के कार्यक्रम हैं सबके लिए सूत्रधार का काम। हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव स्तर के जो सिविल जज रैंक का अफसर है, हमारे यहाँ सुश्री अनीता जी हैं जो सेक्रेटरी हैं, आपने अभी देखा किस प्रकार से किया। ये तो लोक अदालत एक मतलब मुकदमों के निस्तारण की विशिष्ट प्रक्रिया तो है ही, साथ ही ये जन जन तक यह संदेश पहुँचाने का भी माध्यम है कि आपसी लड़ाई झगड़े के चलते जो मुकदमे गठित दायर हो जाते हैं उनको देर तक चलाने में कोई लाभ नहीं है, यथाशीघ्र खुला समझौते के माध्यम से उनका निराकरण हो जाए। साथ ही और जीवन समझौते का ही दूसरा नाम है, आपस में लड़ झगड़ करके 20 साल तक हम चलते रहें, इससे अच्छा है ये थोड़ा सा हम झुक जाए, थोड़ा सा सामने वाला झुक जाए और दोनों मिल करके एक रास्ता अख्तियार कर लें। इसकी सुलह हो गई और इसी सुलह के आधार पर जो निर्णय हम करते हैं लोक अदालत, उसका नाम हम देते हैं कानून की तरफ से। लोक इसलिए प्रयोग किया गया, सब लोक का सामान्य अर्थ है आप जानते हैं जनता है, कि जनता जो है कानून की पेचीदगियों से अवगत नहीं है। और सीधे सीधे अगर हम कहते हैं कि भाई आपका झगड़ा है आप अपनी बात कहिए, आपका झगड़ा अपनी बात कहिए, और हम ये हमारे मत में ये इसका व्याकरण हो सकता है, ये निर्णय होना चाहिए, ये लोकमत बन गया ना एक तरीके से, इसी आधार पे इसका नाम।
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देशभक्ति की भावना जागृत करने की पहल लगातार की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम आजमगढ़ पुलिस द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रभक्ति की भावना को आम जनमानस में फैलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए तिरंगा रूट मार्च निकाला गया। पुलिस के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर शुक्रवार शाम को शहर में वाद यंत्र के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर जनमानस में राष्ट्रभक्ति का भाव भरने का सफल प्रयास किया। तिरंगा यात्रा नगर के अग्रसेन चौराहे से रवाना होकर मातबरगंज मुख्य चौक पुरानी कोतवाली तक या पहाड़पुर चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा व थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी सिधारी, थाना प्रभारी रानी की सराय, मैं हमारा कर्मचारी तथा पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। पुलिस द्वारा तिरंगा रूट मार्च किए जाने के दौरान यात्रा में आम जनमानस द्वारा हृदय से ताली बजाकर सपोर्ट किया गया तथा कुछ युवाओं द्वारा तिरंगा झंडा लेकर स्वयं को सम्मिलित करते हुए गौरवान्वित महसूस किया गया। 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रही है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसी क्रम में आजमगढ़ पुलिस के द्वारा रूट मार्च निकाला गया तिरंगों के साथ और देशभक्ति के गीतों और धुनों के साथ। ये हमारी जो रूट मार्च स्टार्ट हुआ अग्रसेन चौराहे से और जाके पहाड़पुर तिराहे पर जाकर इसकी समाप्ति हुई है। इसका उद्देश्य ये है कि सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना और देश प्रेम की भावना सुदृढ़ करें और अपने गौरवशाली इतिहास के गौरवान्वित अपने आप को सभी महसूस करें। इसमें सर्कल स्तर के 4 थाने से मौजूद थे, पुलिस ऑफिस का फोर्स था और पुलिस लाइन का फोर्स था। लगभग 225 पुलिसकर्मी इस रूट मार्च में सम्मिलित थे। ये अन्य एरिया में भी सर्कल वाइज इसको लगभग 1 कंपनी फोर्स के साथ सभी सर्कल्स में ये रूट मार्च निकाला जा रहा है और पूरे जनपद में ये क्रम। शिवालिक मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तारतम्य में कुल 12 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजरवा आजमगढ़ से शुरू होकर मिशन अस्पताल हरबंशपुर आजमगढ़ पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा हर्रा की चुंगी, दलाल घाट, काली चौरा, रैदोपुर, सिधारी, हाइडिल, सिधारी, नरौली, सुखदेव पहलवान की मूर्ति से गुजरी। इस यात्रा को शिवालिक मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन व भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक डॉक्टर अशोक सिंह ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। यात्रा के बीच में पढ़ने वाले चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राहुल सांस्कृतायन व सुखदेव पहलवान की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता व वीर जवानों की झांकी की प्रस्तुति की गई। यात्रा में सैकड़ों मोटरसाइकिल, कार, जीप पर सवार छात्र छात्राओं के हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान की गई। यात्रा के दौरान ये देखा गया कि आमजन भी अपने दुकानों के पास खड़े होकर वंदे मातरम एवं भारत माता की जय का नारा लगा करके यात्रा को उत्साहित कर रहे थे। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मिशन अस्पताल एवं रिलेटेड इंस्टीट्यूट की तरफ से एक तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजरवा से लेकर के हर्रा चुंगी होते हुए कोट तिराहा चौराहा होते हुए दलाल घाट, रैदोपुर, सिधारी हाइडिल चौराहा होते हुए सुखदेव पहलवान स्टेडियम से होते हुए मिशन अस्पताल में समाप्त हुई। कुल 12 किलोमीटर का रास्ता था जहां पर की यात्रा निकाल के लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की संदेश दिया गया। और हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि तमाम जनता में बहुत उत्साह था, सब बहुत से घरों पर तिरंगे झंडे लगे हुए थे और सब लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की अपनी अपनी तैयारियाँ किए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा
कि आज हमारा देश जो है अपना 75 साल पूरा कर रहा है आज़ादी के, और सभी लोग इतने जागरूक हैं कि सभी लोग इसको एकदम त्यौहार की तरह मना रहे हैं। तिरंगा यात्रा में डॉक्टर रामजीत सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, जोमी वर्गीस, डी के चौबे, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, मनीष सिंह गुड्डू, भाजपा नेता पवन देव त्रिपाठी, प्रज्ञा पाठक, अंकुर सिंह, प्रोफेसर अनिल सिंह, आलोक श्रीवास्तव, प्रतीक, श्रवण कुमार, दीनानाथ पांडे, राजेश विश्वकर्मा, सर्वेश सिंह, आलोक सिंह, शिव प्रकाश, राम जियावन, राम नयन, डॉक्टर राजमल अंसारी, डॉक्टर चंद्र मौली सिंह एवं संस्थान के सभी शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं शामिल थे। तिरंगा यात्रा से 12 किलोमीटर रास्ते में स्थानीय निवासियों द्वारा देशभक्ति नारा लगाकर समर्थन किया गया। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। शिवालिक और मिशन परिवार की तरफ से सभी जनपद वासियों को अमृत महोत्सव 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। इस साल देश हमारा 75 साल आजादी के पूरा कर रहा है, हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस साल में सभी लोगों को अपने घरों पर झंडा फहराने का की रिक्वेस्ट की गई है सरकार की तरफ से, घर घर झंडा, घर घर तिरंगा। सभी लोग से अनुरोध है कि सभी लोग उस दिन अपने घरों पर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक घर 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 तिरंगा फहरा करके इस आज़ादी के अमृत पर्व को मनाने का मनाएँ और मना करके अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाएँ। आप सभी जनपदवासियों को 75 वर्ष पूर्ण होने पे इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। हम सभी आगे बढ़ें, स्वतंत्रता के मायनों को समझें, अपनी राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझें, उनके प्रति अपने जो कार्य हैं, जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। इस कामना के साथ आप सभी को पुनः लाइफलाइन परिवार की तरफ से और इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव में इसका भाग बनने के लिए आह्वान करते हुए पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। अपने जनपद वासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की और 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये आह्वान हुआ है कि हम लोग घर घर में तिरंगा झंडा लहराएं और अपने वीर शहीद सपूतों को जो जिनके बलिदानों के युक्त आज हम लोग इस हवा में सांस ले रहे हैं, इनके प्रति हम लोग एक श्रद्धा सुमन अर्पित करें और घर घर पे झंडा लहराएं। फिर से हम अपने पूरे जनपद वासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर की तरफ से सभी सम्मानित नगरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये जो आज़ादी का 75वां साल चल रहा है इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए, और ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि सब लोग अपने संस्थानों पर अपने घरों पर तिरंगा लहराएँ, और जो एक ये राष्ट्रीयता की भावना है वो तो अंदर सबके रहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने घर पे तिरंगा लगा के उसे दिखाने का भी प्रयास करें, यही मेरी सबसे अपील है। सभी उत्तर प्रदेश के प्रबंधक साथियों को, आजमगढ़ के प्रबंधक साथियों को और सभी जनपद के अभिभावक प्यारे बच्चों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना देता हूं, और आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि घर घर तिरंगा फहराएँ और पुनः जनपद वासियों और प्यारे बच्चों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। जय हिंद। जय हिंद। मैं कमलेश तिवारी, श्री भूदेवा इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन,
श्री दीनानाथ परमार सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हम सभी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। घर घर तिरंगा लहराने और फहराने का एक आह्वान है आप सभी से, तो आप सभी लोगों को घर घर पे अपने तिरंगा लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। और आप सबों को, आप सभी देशवासियों को, प्रिय बंधुओं को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। टीईटी परीक्षा में नकल के खेल में फरार आरोपियों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता के घर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौर हड़कंप मचा रहा। पुलिस तकरीबन एक घंटे तक कार्रवाई की। आजमगढ़ में टीईटी परीक्षा में नकल के खेल वाले गिरोह के खुलासे के बाद अब गैंग के फरार मेंबरों पर शिकंजा कसने लगी है। जिले में फरार चल रहे चार नकल माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में आवेदन किए थे। हाल ही में पुलिस ने नोटिस भी चस्पा कर दी। इसके साथ ही नकल फरार माफिया सपा नेता इसरार अहमद सहित चार आरोपियों पर पुलिस ने 10,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया था। इसके बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद के घर शनिवार को पुलिस बल के साथ पहुंची और कुर्की की कार्रवाई की गई। जनवरी माह में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने का जिले में बड़ा प्रयास हुआ था, जिसका खुलासा पुलिस ने किया था। पुलिस ने मामले में प्रकरण का खुलासा किया और लगभग 51 लाख रुपए के चेक व कैश की बरामदगी दिखाने के साथ ही 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को फरार बताया था, जिन्हें 2 माह के लंबे समय के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। प्रकरण की विवेचना सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी कर रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में 8 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए, जिसमें 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 लग्जरी वाहन समेत अन्य सामान कुर्क कर कब्जे में ले लिया है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़ द्वारा 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अमित सिंह लोपोस्कोपिक एवं न्यूरोसर्जन व डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अंकुर व डॉक्टर तौहीद अहमद गैस्ट्रो विभाग एवं डॉक्टर पंकज शर्मा हृदय रोग विशेषज्ञ ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया। तमाम मरीजों को दवाएं मुफ्त में दी गई, तो कई मरीजों की विभिन्न जांचें भी निःशुल्क हुई। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य गरीब जनता को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना था। हॉस्पिटल के प्रबंधक अविनाश सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ड्रामा सेंटर में आयोजित से शिविर बेहद ही सफल रहा। शिविर से लगभग 350 से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। आज रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के उपलक्ष में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हृदय रोग संबंधित यूरो एवं जनरल सर्जरी संबंधित, स्त्री रोग संबंधित, पेट एवं लीवर रोग संबंधित मरीजों का निःशुल्क परामर्श दिया गया है और निःशुल्क दवा वितरण का आयोजन किया गया है। और इस शिविर में 300 से अधिक लोगों, मरीजों ने आके अपना इसका लाभ उठाया। हमारा मेन उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के पास अपनी सेवाएं दे सकें। और बहुत से ऐसे रोग हैं जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है और बहुत सी ऐसी इमरजेंसीज हैं जिसका यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता था। हमने उन सब चीज़ों को यहाँ पर लाया है। हमारा ये उद्देश्य है आने वाले समय में कि हम सारे वो डिपार्टमेंट आजमगढ़ के लोगों को वो दे पाएँ, जिसके कारण उनको लोग बनारस या लखनऊ जैसे जगहों पर जाना पड़ता है। गरीब से लेकर हर वर्ग के जो लोग हैं, इसका अपने शहर में रह के अधिक से अधिक मात्रा में उसका लाभ उठा सकें, हमारा ये उद्देश्य है। आजमगढ़ जिले में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत चौक क्षेत्र के बाटा के शोरूम का 2,65,000 से अधिक का बकाया होने के कारण बिजली कनेक्शन काटा गया और शोरूम को भी सीज किया गया। इसके साथ ही कटरा के ही रहने वाले आनंद कुमार वर्मा का 1,84,000 रुपए का बकाया होने के कारण कनेक्शन काटा गया। बिजली विभाग द्वारा जिले में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान के अंतर्गत बकायेदारों के कनेक्शन काट कर उनके प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है। बाटा का शोरूम सील करने पहुंचे सदर तहसील के तहसीलदार उमाशंकर का कहना है कि जिले में जो भी बड़े बकायेदार हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार का कहना है कि बाटा के जिस शोरूम का आज कनेक्शन काट कर सील किया गया, इससे पूर्व कई बार नोटिस दिया जा चुका है, इसके बावजूद यहां के लोगों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 2,65,000 से अधिक का बकाया होने के बाद भी इन लोगों ने बिल का भुगतान नहीं किया, जिस कारण ये कार्रवाई की गई। बड़े बकायेदारों को तहसीलदार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक राजस्व की वसूली हो सके। इनका 2,65,000 का बकाया है,
उनको सारी नोटिसें देने के बाद भी इनके द्वारा बताया था नहीं किया गया है, जिस कारण से विद्युत कनेक्शन कटवाते हुए इनको कभी निर्देश दिया गया था कि मतलब इनको सारे प्रोसेस इनको अवगत करा दिया। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी नगरवासियों को, जनपदवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए इस 75वां स्वतंत्रता दिवस जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और इसकी विशेषता यह है कि इस साल अपने राष्ट्रीय और भारतीय होने का बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान जो है यह भारत में एक अकेला ऐसा पहला अभियान है जो भारत देश के लिए, न किसी जात के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी पंथ के लिए, यह पूरी भारतीय लोगों के लिए और अपने भारत अपने राष्ट्र के लिए इतना बड़ा अभियान पूरे विश्व में यह पहला अभियान है, जिसका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपने तरफ से हर लोगों को यही आशा करता हूं कि अपने घर तिरंगा 13 तारीख से जरूर लगाएं। मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज़ादी के 75वें वर्ष पे जिस प्रकार सरकार की ये मंशा है कि सभी लोग घर घर तिरंगा लगाएं, सभी लोग घर घर तिरंगा लगाएंगे तो अपने जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक मनाएं और सभी लोग तिरंगा फहराएं। मैं पुनः सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जनपदवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व उल्लास का पर्व है, खुशियों का पर्व है, इसको आइए हम लोग धूमधाम से मनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। आप लोग तिरंगा को अपने छत पर लगाइए और यह पर्व को धूमधाम से मनाइए। 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस अमृत महोत्सव में हम उन शहीदों को भी याद करें जिन्होंने हमें देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, और हर घर घर तिरंगा अभियान चलाकर आप अपने छतों पर, अपनी दुकानों पे और जहां भी हो सके आप लोग झंडा को फहराएं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। मैं इनरविल क्लब प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल 15 अगस्त की सभी भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। डीएम साहब के आदेशानुसार हर घर घर तिरंगा लहराना है। इन शहीदों ने देश को आज़ाद किया, उनको नमन करती हूं। और 15 अगस्त पे प्रेसिडेंट एंड मेंबर सब लोग तिरंगा लहराएंगे नेत्र मंदिर में, और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रोग्राम, अन्य कार्यक्रम होंगे। पुनः सभी जनपद वासियों को इनरविल क्लब की तरफ से हार्दिक शुभकामना। 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे मैं नगर वासियों को हार्दिक बधाई देते हुए जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम इस अवसर पे देश पे कुर्बान होने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। Wooden Touch भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुँचिए Wooden Touch भवरनाथ आजमगढ़। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े
हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडर गार्मेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय वन गेट थ्री, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गार्मेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़, आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें।